स्वागत है दोस्तों सभी आप सभी का ऊर्जा फिटनेस पे। आज हम लोग बात करेंगे थ्री बिगिनर्स ट्रेनिंग मिस्टेक, या बिना कोच के कोई बंदा अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो वो क्या क्या गलतियां करते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है थ्री डाइट मिस्टेक्स जो बिगिनर्स जनरली करते हैं, चाहिए और वीडियो देखिए, उससे आपको पता चलेगा जो बेसिक मिस्टेक्स सब लोग करते हैं, जो मैंने की थी आप लोग ना करें। आज मैं डिस्कशन करूंगा वो बेसिक थ्री मिस्टेक्स पीनट के साथ जो गेस्ट है आज वीडियो की, थ्री मिस्टेक्स जो जनरली सब लोग करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी कर चुका हूँ और हम काफ़ी सारे लोगों को कोच भी करते हैं, वो लोग भी ये गलतियाँ करते हैं, तो आप लोग ये गलतियाँ ना करें जो ट्रेनिंग मिस्टेक्स मैंने की थी पहले। तो नंबर थ्री इज ऐसा सोचना कि हैवी वेट लिफ्टिंग से ही बॉडी बनती है। नो, ऐसा नहीं है। आप कम वेट उठा के भी टेंशन क्रिएट कर सकते हो मसल पे, तो मसल ज़्यादा वेट उठाने से, ज़्यादा रेपिटेशन लगाने से, ज़्यादा सेट लगाने से नहीं बनती है। मसल बनती है जब आप मसल के ऊपर टेंशन क्रिएट करते हो, मसल्स फाइबर को ब्रेक करते हो, और उसके बहुत सारे तरीके हैं। इवन आप कम वेट से ज़्यादा रेपिटेशन लेकर, या फिर आप स्लो टाइम अंडर टेंशन के ऊपर ध्यान देकर भी मसल्स के ऊपर टेंशन क्रिएट कर सकते हो और आप बॉडी बना सकते हो। तो आपको बहुत ही ज़्यादा वजन उठाने की ज़रूरत है ऐसा नहीं होता है। आपको कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेस करनी है, आपको अपनी एक्सरसाइजेस को समझना है। जितना आप समझोगे, जितना आप इफेक्टिवली उनको परफॉर्म करोगे, उतना आसानी से आप अपनी बॉडी बना सकते हो। तो आपको बहुत ही ज़्यादा वजन उठाना है जैसे बॉडी बिल्डर्स उठाते हैं, नो यू डोंट नीड टू। तो जिम के अंदर ईगो लिफ्टिंग ना करें, और ये दिमाग में ना रखें कि बहुत ही ज़्यादा हैवी उठाने से आपकी बॉडी बनती है। आप मेरे को अगर जिम में देखते हो, और इवन मेरे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जानते हैं मैं कभी हैवी लिफ्टिंग करता ही नहीं हूँ, बिकॉज मेरा टारगेट पहला तो ये है कि मुझे कोई ओलंपिक लेवल के बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर नहीं जाना है, और मुझे एक डिसेंट बॉडी बनानी है जो मैं लाइट वेट से बना सकता हूँ। तो अगर आपको एक डिसेंट बॉडी बनानी है, यू डोंट नीड टू लिफ्ट अ लॉट ऑफ वेट, जो मैं पहले किया करता था, अभी मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो दिस इज द थर्ड मिस्टेक आई मेड इन द बिगिनिंग। सेकेंड मिस्टेक जो जनरली बिगिनर्स लोग करते हैं वो स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और ये जो पावरफुल एक्सरसाइजेज है, कंपाउंड एक्सरसाइजेज, वो ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए। और ईगो लिफ्टिंग करते हैं, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं डेड लिफ्ट के अंदर, स्क्वाट्स के अंदर, और अपनी बैक को डैमेज कर लेते हैं, अपने जॉइंट्स को डैमेज कर लेते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, यू अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना इन एक्सरसाइजेस के ही अच्छी बॉडी बना सकते हो। काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनको बैक में इंजरी है, और उसके बावजूद वो लोग बिना डेडलिफ्ट के, बिना स्क्वाट्स के वो ओलंपिक के स्टेजेस पे कम्पीट करते हैं। तो आप ये मत समझिए कि इन एक्सरसाइजेस के बिना आप अच्छी बॉडी नहीं बना सकते। मैं पहले ऐसे ही सोचता था, स्क्वाट्स नहीं किए तो क्या किया, डेडलिफ्ट नहीं किया तो क्या किया, बट जब से मेरी बैक में इंजरी हुई है तब से फिर मैंने इसके ऊपर स्टडी करना किया, स्टार्ट किया, रिसर्च की, कोचेज हायर किए, उन लोगों ने मुझे सिखाया कि आपको डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स करना ज़रूरी नहीं है, आप बिना उसके भी अच्छी बॉडी बना सकते हो। अपने ऊपर ट्राई किया, काफ़ी सारे क्लाइंट्स के ऊपर ट्राई किया, हाँ बिना स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइजेस के भी आप अच्छी बॉडी बना सकते हो। सो टेक केयर ऑफ दिस सेकेंड पॉइंट ऑल्सो, आपको ये एक्सक्लूसिव कंपाउंड मूवमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनके बिना भी अच्छी बॉडी बना सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड मिस्टेक जो मैंने की, काफ़ी सारे लोग करते हैं, वो उनके अंदर फोम हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मैं स्क्वाट्स मिस कर रहा हूँ, मैं डेडलिफ्ट मिस कर रहा हूँ। यू डोंट नीड टू मिस, अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ अपनी ट्रेनिंग और अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट वन और टू एक्सरसाइज, और जिसमें स्पेशली आपकी बैक इंजर होने के चांसेस हैं। अभी मुझे पता है मैं अगर कुछ भी हैवी लिफ्टिंग करूंगा तो मेरी बैक में प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा प्रॉब्लमेटिक काम नहीं करना है। तो आपको वो एक्सरसाइजेस जो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम दे, किसी भी सेक्शन में आपको वो एक्सरसाइजेस निकाल देनी है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर से। तो जो अच्छे कोचेज होते हैं, जब आप उनके साथ काम करेंगे तो वो यही करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं आपको किसी जॉइंट में कहीं पर किसी तरह का कोई पेन वगैरह तो नहीं है, अगर ऐसा होता है तो उसको हील करने की एक्सरसाइजेस बताते हैं, और जो उस पर एक्स्ट्रा लोड डालती है उन सारी एक्सरसाइजेस को हटा देते हैं। सो दिस इज द सेकंड मिस्टेक जो मैंने भी की थी, ज़्यादातर लोग करते हैं स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, ये करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी नहीं है।
नंबर वन मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, मैं भी करता था पहले, और जिनको अच्छी बॉडी बनानी है, सिक्स पैक बनाना है, डिसेंट बॉडी बनानी है, बीच बॉडी बनानी है, वो ये कि फ्री वेट्स करेंगे तो ही बॉडी बनेगी। जब आप डंबल्स और बारबेल्स से लिफ्टिंग करेंगे तो ही बॉडी बनेगी। दिस इज नॉट राइट। आप एक डिसेंट बॉडी की बात करूँगा, अगर बॉडी बिल्डिंग लेवल की बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छी बॉडी, फिटनेस मॉडल लेवल की बॉडी, आप मशीनों से ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट मशीन। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, व्हाई मशीन्स आर वेरी पावरफुल देन फ्री वेट्स फॉर अ कॉमन पर्सन। इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आप ज़्यादा टाइम अंडर टेंशन क्रिएट कर सकते हो, एंड सेफ और सिक्योर एक्सरसाइजेज हैं, और टाइम भी बहुत कम कंज्यूम होता है जब आप मशीन्स के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हो। तो मैं पहले मशीन्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करता था, मैं सोचता था कि सिर्फ फ्री वेट पे जाके एक्सरसाइज करेंगे, बारबेल पे एक्सरसाइज करेंगे, बट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे कोचेज हैं, वो मुझे जानते हैं, 90% ऑफ माय वर्कआउट्स आर नाउ ऑन सिंपल मशीन्स, और मशीन से मैं बहुत अच्छा टाइम अंडर टेंशन क्रिएट करता हूँ, और उसी के थ्रू मैं अपनी मसल्स ग्रो कर रहा हूँ, और हमारे ज़्यादातर क्लाइंट्स भी। सो मशीन्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं पहले बहुत करता था, और काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस के बाद अब समझ आया मशीन्स आर वेरी वेरी गुड, और आप बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हो मशीन्स। सो दीज वर द थ्री ट्रेनिंग मिस्टेक्स जो मैं जनरली किया करता था पहले, और काफ़ी सारे बिगिनर्स लोग भी करते हैं, क्योंकि वो कहाँ से सीखते हैं, बाहर इंटरनेट से देखकर सीखते हैं, और इंटरनेट पे क्या है, इस तरह की चीज़ें ही दिखाई जाती हैं जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, ज़्यादा इफेक्टिव से उनको मतलब दिए, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, दिखने में ज़्यादा अच्छी लगे, और जो टॉप लेवल के एथलीट्स होते हैं लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जो इतना ज़्यादा वेट उठाते हैं जो मशीन की कैपेसिटी नहीं होती। वो लोग फ्री वेट क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि मशीन के पास 150, 100 kg की ही कैपेसिटी होती है, बट फ्री वेट्स में बारबेल के ऊपर आप 200, 300, 500 kg वेट भी रख सकते हो। दैट्स वाई वो एलीट लेवल के बॉडी बिल्डर्स फ्री वेट्स का यूज़ करते हैं। तो उनको देखकर आम आदमी भी ऐसा सोचता है कि मुझे भी फ्री वेट ही उठाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितना वेट उठाते हो उतनी कैपेसिटी मशीन की है, तो यू शुड ट्रेन ऑन मशीन फर्स्ट, और ये फ्री वेट्स आपको बाद में सोचना चाहिए। तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, 99% क्लाइंट्स की मैं बात करूँगा, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो है उनका टारगेट वेट लॉस होता है, एंड वेट लॉस के लिए यू डोंट नीड टू गो ऑन द बारबेल्स, आप मशीन पे मसल्स को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। सो दीज आर द कॉमन थ्री मिस्टेक्स जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ सीखने मिला हो, तो एक बेटा से टेल देम टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, so that other people can also find this video. Thank you very much, दोस्तों, for watching this video. मिलते हैं अगले video के अंदर।